तो अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि डिटरमाइन द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? 6 4 3 या 2, ऐसा चलता रहेगा। ओके, सो इसका हमें फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म निकालना है। तो आपका क्या करना होगा, तो एज अ सोल्यूशन में क्या है, अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 1/6, 1/4, 1/3, ऐसे चलता रहेगा। ओके, अब हमें फोर्थ टर्म निकालना है हार्मोनिक का, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म निकालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और एट्थ टर्म निकालेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। सो अभी हम देखा जाए तो ये पहले पता लगाना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ओके, अगर है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है वो निकालना है। सो T1 - T2 किया, T2 - T3 किया। ओके, सो 1/6 - 1/4 वो तो हम कर लेंगे। ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 - 1/3 जो कि 1/12 आएगा। ओके, मीन्स फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फिर सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो 1/12 आ जाएगा जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP यूज द फार्मूला। अभी हमारे पास nth टर्म वाला फार्मूला है ही, तो a+n-1 d आ जाएगा nth टर्म के लिए। ओके, अगर फोर्थ टर्म चाहिए तो n=4 पुट करेंगे, एट टर्म चाहिए तो n=8 पुट करेंगे। सो और a=1/6 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज 1/2, 1/12। ओके, सो फोर्थ टर्म का लिए क्या आएगा, a+n-1 d। ओके, a=1/6, n=4 - 1 × d=12। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये फोर्थ टर्म ऑफ AP इज 5/12। ओके गाइस, ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट हमने फोर्थ टर्म ऑफ AP निकाल ली है जो कि 5/12 आ गई है। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली मीन्स उसी रास्ते पे चलकर हम एट्थ टर्म ऑफ द AP निकालेंगे, a+8 - 1 d। सो a=6, 8 - 1 d=1/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8th टर्म इज 9/12 आ जाएगा। ओके, तो अब आगे क्या करना है, सिंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो वी कैन राइट द वैल्यूज एज, सो फोर्थ टर्म ऑफ HP क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म ऑफ AP का रेसिप्रोकल, 1/1 में रेसिप्रोकल ये है। सो फोर्थ टर्म क्या थी, 5/12 थी, तो उसका रेसिप्रोकल 12/5। एंड एट टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू 1/8 टर्म ऑफ AP, 1/8 टर्म ऑफ AP 9/12 है, सो 9/12 का रेसिप्रोकल 12/9 जो कि 4/3 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द फोर्थ टर्म, दिस इज द एट टर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि कंप्यूट द 16th टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 16th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ 6th and the 11th टर्म ऑफ HP आर 10 एंड 18। मीन्स हमको हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 16वीं टर्म निकालनी है और छठी और 11वीं टर्म की वैल्यू दी है 10 एंड 18, किसकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वैल्यू दी है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की 16th टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो 16th टर्म निकालने के लिए पहले हमें 16th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है और उसका रेसिप्रोकल करना है। ओके गाइस, तो अब देखते हैं क्या कैसे करना है। द हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिटर्न इन टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बिलो। क्या है, अब 6th टर्म एंड 11th टर्म HP की है, तो उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें 6th टर्म ऑफ AP मिल जाएगा और 11th टर्म ऑफ AP मिलेगा जो कि वो 10 का रेसिप्रोकल 1/10, 18 का रेसिप्रोकल 1/18 आ जाएगा। तो हम 6th टर्म ऑफ AP क्या करते हैं, a+n-1 d, n=6, सो a+n-1 मीन्स a+6-1 d मीन्स a+5 d आ जाएगा, a+5 d। उसी तरह n-1 मीन्स 11-1 करेंगे तो 10 आएगा, a+10 d आ जाएगा = ये। तो अब देखा जाए तो हमारे पास दो इक्वेशन है एंड दो अननोन्स a एंड d है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और d की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू आएगी 13/90। a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी 13/90 और d की वैल्यू -2/225। ओके गाइस, ओके, सो अब 16th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना है तो 16th टर्म ऑफ पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल लेंगे और उसका रेसिप्रोकल करेंगे।
ओके 16th टर्म ऑफ एच पी इज इक्वल टू 1/16 टर्म ऑफ हार्मोनिक ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब 16th टर्म ऑफ ए पी निकालना है तो फार्मूला है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन मीन 16 माइनस वन 15 डी। उसको क्या करेंगे, ए को ए 13/90 एंड प्लस 15 डी मीन्स डी इज -2/225। सो -2 को -2 एज इट इज़, 15 से 225 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाय 15 आ जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/90 आ जाएगा। ओके तो ये तो रहा 16th टर्म ऑफ ए पी। तो एच पी का वैल्यू निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स 1/90 का रेसिप्रोकल करेंगे। सो ये 1/90 आ जाएगा। सो 16th टर्म ऑफ एच पी इज 90, जो कि 1/90 का रेसिप्रोकल है। ओके गाइज, ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस अब और आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कीजिए, हमें जब भी समय मिल जाएगा हम आपकी क्वेरीज या फिर डाउट्स जो भी होगा उसका आंसर देने को ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप जिस किसी भी एजुकेशन ग्रुप में होगे, टेलीग्राम ग्रुप में होगे, वहाँ पर शेयर कीजिए। गुरु दक्षिणा देनी है तो बस हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उससे सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि उससे हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट बेस, वो बढ़ता जाता है। ओके गाइस, एंड उसी के कारण हम आपसे और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। ओके एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके लव यू, सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।